हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ केयर टुडे। आज हम बात करेंगे प्रोमिनेंट ईयर्स या बैट ईयर के बारे में। जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे हैं, बैट ईयर मतलब जैसे बैट के कान होते हैं, वैसे अगर किसी के कान हो गए हैं या कान जो नॉर्मल जगह पे होने के बजाय कान बाहर की तरफ हो गए हैं तो इसे प्रोमिनेंट ईयर कहा जाता है। अगर आप मूवीज़ में भी देखें तो अगर किसी को एलियन लुक देना है तो उसके कान बाहर की तरफ या बड़े कर दिए जाते हैं। ये बहुत सारी हिंदी मूवीज़ में भी होता है, जैसे कि पीके में भी ऐसे आमिर खान ने भी ऐसे ही किया था। सो प्रोमिनेंट ईयर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो किस वजह से होती है? क्या तो हमारा जो कान के बीचे वाला हिस्सा है, जिसे ईयर कप कहा जाता है आम भाषा में, वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया है? या दूसरा जो इसका रीज़न होता है वो होता है कि आपका जो एंटी हेलिक्स है वो अंडर डेवलप्ड रह गया है। तो इस सर्जरी में हम इन दोनों ही कंडीशन को ट्रीट करते हैं। अगर आपका एंटी हेलिक्स डेवलप नहीं है तो इसमें हम स्कैफोमेस्टोइड सूचर्स यूज़ करते हैं, और दूसरा अगर आपका कोंका ज़्यादा हो गया तो उसे हम कट करके निकालते हैं। और जो इसमें मेन सूचर्स यूज़ होते हैं वो होते हैं स्कैफोमेस्टोइड सूचर, जिसके द्वारा जो कान है वो अपना पीछे नॉर्मल शेप में आ जाता है। इस सर्जरी को हम ईयर पिनिंग सर्जरी या ओटोप्लास्टी कहते हैं। ओटो मतलब कान, प्लास्टी मतलब सर्जरी। ये सर्जरी एक डे केयर में की जाने वाली सर्जरी है। इस सर्जरी को कब करवाना चाहिए? यूजुअली हम बोलते हैं कि 4 साल के बाद आप ये सर्जरी कभी भी करवा सकते हैं। ये सर्जरी क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से बच्चे अगर स्कूल जा रहे तो वो बुलिंग और टीजिंग के शिकार होते हैं। अगर इवन इन अडल्टहुड लोगों को अपना पर्सनैलिटी इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोमिनेंट ईयर्स। सो ये सर्जरी यूजुअली 30 to 45 मिनट्स में की जाती है। ये एक डे केयर सर्जरी है। सर्जरी के बाद आप घर जा सकते हैं। एक ड्रेसिंग की जाती है जिसे हम 5वें दिन हटाते हैं। उसके बाद हम आपको एक हेडबैंड पहनने के लिए कहते हैं, लगभग 1 से 2 हफ्ते के लिए। इस सर्जरी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और इस सर्जरी से आपका जो ये प्रॉब्लम जिससे आप इतने टाइम से जूझ रहे होते हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। अगर आपके भी प्रोमिनेंट ईयर है या आपके परिवार में किसी के प्रोमिनेंट या बैड ईयर है तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल उपलब्ध है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।